हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल गोल गले की कटिंग करना बताने जा रही हूँ, जो कि बुकरम पे हमें करनी है। ये बुकरम जो है ये चिपकाने वाली है। तो चलिए अब हम गोल गले की कटिंग करते हैं। मेरे जो गले की लंबाई है वो है 6 इंच। 6 इंच लंबाई है, लेकिन हमें यहाँ पे आधा इंच ऊपर ये सिलाई में जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे 6.5 इंच पे हमने लंबाई को रखना है, आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। और मेरी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। सभी की ज़्यादातर चौड़ाई 3 इंच पे ही आती है बुकरम पे, तो 3 इंच पे हमने चौड़ाई रखनी है और 1 इंच जो है हमें एक्स्ट्रा लेना है, जो कि बुकरम की कटिंग में बाहर की साइड पे आ जाएगा। तो 4 इंच हम टोटल ले लेंगे। ये बुकरम यहाँ पे 4 पे सीधा सीधा हम इसको काट लेंगे। अब इस पे हम 3 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा 3 इंच पे हमने निशान लगा लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे हमने लंबाई में 6.5 इंच का निशान लगा लिया है। और 6.5 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ से भी हम नीचे से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको सीधी लाइन खींच लेंगे। और यहाँ से भी हमने जो 3 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगाया था, यहाँ से लेके इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर ली। फिर हमने यहाँ पे 1 इंच पे ये कोन बनानी है और इस कोन को यहाँ से हमने यूं करके गोलाई देनी है। हमने यहाँ पे 1-1 इंच का छोड़ा हुआ है यहाँ से, तो हम यहाँ से भी 1-1 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे निशान लगा लेंगे यूं, ताकि हमारी अच्छे से गोलाई आ जाए। ये देखिए, अब हम इसको भी जो यूं करके पूरा निशान लगा लेंगे। अब हम गले की कटिंग करते हैं। हमने पूरे निशान पे ही कटिंग करनी है, जो कि हमने निशान लगाया हुआ है। अब ये जो साइड्स है वो भी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, हमारा गोल गले की सिंपल गोल गले की कटिंग हो गई है। तो चलिए अब मैं आपको अगले भाग में इसे चिपकाना और गले को लगाना बताऊंगी। अगर आप मेरी और भी नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।